डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का जी, आपका नाम उमेर जी? उमेर, आपने शेप ऑफ वाटर के लिए एक अपडेट दिया था ना, ऑस्कर अवार्ड जीता मूवी ने। राइट, ऑस्कर जीता है मूवी ने। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग उस मूवी के इंडियन प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे थे। ओके, वी वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि आपको मूवी में क्या चीज बहुत अच्छी लगी शेप ऑफ वाटर में। ओवरऑल मूवी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तभी तो फिर ऑस्कर के लिए गई है, एंड इट्स वेरी नाइस। क्या बताऊं मैं आपको, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। शेप ऑफ वाटर देखकर के आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या लगा? बहुत ज्यादा कनेक्टेड था एक्चुअली। मेरे को क्या समझ आया, देखिए ये मैटर नहीं करता है, लोगों को कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाता है। बोलिए। तो फिर जब मूवी मेरे को हिट की ना, तो फिर आई वॉज लाइक कि नहीं यार एक्चुअली अब ऑस्कर भी में। अच्छा बाय द वे सर, आपने अपना नाम नहीं बताया। घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होंगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। हेलो, ये क्या था, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होंगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। क्या कौन बोल रहा है? हेलो, देखो बेटा ऐसा है कि चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। कौन है बेटा? शेप ऑफ वाटर किसने बनाई है? हु इज द डायरेक्टर सर, डू यू नो दैट? वी आल्सो वन द बेस्ट। देखिए भाई मैं आपको बताऊं कि जो आदमी साली बड़ी सतावेली, एक बिहारी सौ पे भारी, एह बलमा बिहार वाला ऐसी मूवीज देखता है, वो अगर शेप ऑफ वाटर को लेकर के अपडेट डाले तो अच्छा नहीं लगता। अरे भैया हेलो, मैंने शेप ऑफ वाटर देखी है। मूवी किस बारे में? तुम हो कौन, हम तुम क्यों बताएंगे बे? घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होंगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। अरे एक ही चीज बार बार बोले जा रहे हिम्मत तो नाम बताना। मेरा नाम प्रवीण है और मैं 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ, और आपका बनाया जा रहा था मेरा। प्रवीण भाई ये नहीं कर रहा था भाई, एक बात बताओ भाई, देखी भी है आपने शेप ऑफ वाटर? मौका मिला था लोगों को अपना वो। अरे भाई फेंकने का तो लिमिट में फेंकने का भाई।